हाय एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आया हुआ हूं झील पर काफ़ी टाइम बाद। इससे पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको झील की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी और आपको मैंने दिखाया था कि झील की किस तरीके की स्थिति है। पर दोस्तों, अब जैसे कि छठ पूजा आने वाला ही, अभी कल ही 12 तारीख को, 12 नवंबर को क्या था, दीपावली थी, और अब उसके 6 दिन बाद क्या होता है, छठ पूजा होता है दोस्तों। अब जो छठ पूजा मनाई जाएगी हमारे एरिया के आस जो एरिया के पास है, बलसवा झील नाम से, देखिए दोस्तों कितना साफ कर रखा है बिल्कुल। और ये दोस्तों, ये जो यहाँ पे है, ये बैरियर लगा रखा है ताकि बाउंड्री है, ताकि कोई भी उधर से आगे ना जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे बिहारी समाज हैं, इंक्लूडेड नहीं मैं भी, पर इस साल मैं नहीं मना पाऊँगा, पर बाकी जो लोग मनाएंगे वो इधर से उधर की तरफ नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उधर पानी थोड़ा गहरा रहता है, इसलिए दोस्तों। तो ये बलसवा झील है, वो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी बोटिंग सुविधा मिलती है अच्छी तरीके से, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से लोग यहाँ पे बोटिंग का मज़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भी काफ़ी अच्छा खासा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस साल तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने वाटर फॉल भी लगा रखा है, तो आपने देख लिया बढ़िया नज़ारा है, मस्त। दोस्तों आपने देख ही लिया है किस तरीके का व्यू है पार्क का, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर भी टेंट लगेंगे पूरे में और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सजाया जाएगा इसको, और यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, समियाना, मतलब बड़े बड़े मंच लगाए जाएंगे यहाँ पे दोस्तों। सिंगर, गायक, पॉलिटिशियन सब आते हैं दोस्तों इस त्यौहार के अंदर। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने बता चुका हूँ किस तरीके से, बिल्कुल मेरे पीछे किस तरीके की भीड़ लगी हुई है, देखो गिर गया मैं। दोस्तों आपने देखा कि कितना बढ़िया पार्क है, ये घूमने लायक भी है और वहाँ पे आप लोग आके इंजॉय भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जिम पार्क है और यहाँ पे आप लोग जिम भी कर सकते हैं, जो बेसिक बेसिक जिम है। देखिए डॉगी बैठा हुआ है किस तरीके से, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये पूजा करने के लिए अभी से ही बनाने लग गए हैं, इसे हम कह सकते हो पिंडा, कह सकते हो पिंडा, के ऊपर ये लोग मतलब भगवान के लिए जो भी प्रसाद वगैरह है वो सब चढ़ाते हैं इसके ऊपर, इस तरीके से बनाया जा रहा है। अब हमें भी निकलना चाहिए घर के लिए, तो चलिए चलते हैं, ये हमारी चाबी है, अभी गाड़ी में लगाएंगे और तुरंत भागेंगे निकलते हैं यहाँ से। ये दोस्तों, ये रात के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं 13 लोग हैं यहाँ पर अभी उस समय पे। तो देखो यहाँ पिंडा हो रहा है,